हेलो दोस्तों, लर्निंग विद फ्रेंड्स में आपका स्वागत है। हमारी नई सीरीज़ में हम हाई फ्रीक्वेंसी इंग्लिश वर्ड्स, यानी वो इंग्लिश वर्ड्स जो बोलचाल की भाषा में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हिंदी में समझाएंगे। आइए देखते हैं लेटेंट। लेटेंट का मतलब होता है इनएक्टिव या हिडन, हिंदी में कहें तो अप्रत्यक्ष या छिपा हुआ, जो दिखे ना। तो हम अगर पिक्चर देखेंगे तो इस पिक्चर में हमें एक वॉल्केनो दिखाने की कोशिश की है, एक ज्वालामुखी दिखाने की कोशिश की है जो फटा नहीं है, जिसमें से लावा नहीं निकल रहा है। तो एक लेटेंट वॉल्केनो है या इनएक्टिव वॉल्केनो है। अगर एग्जांपल सेंटेंस की बात करें तो शिखा मैम इज़ वेरी गुड एट ब्रिंगिंग आउट हर स्टूडेंट्स लेटेंट टैलेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ? दैट ये शिखा मैम जो हैं, जो टीचर हैं, वो अपने छात्रों की जो छिपी हुई खूबियाँ हैं, उन टैलेंट्स को उभारने में शिखा मैम का बहुत बड़ा हाथ है। तो इस मामले में शिखा मैम अपने स्टूडेंट्स के लेटेंट टैलेंट्स को बाहर निकाल पाती हैं। तो इस तरह से हम लेटेंट समझ सकते हैं। एक डायलॉग देख लेते हैं। जो पहला पुरुष है वो कह रहा है वाई आर यू अपसेट, और दूसरा बोल रहा है देर आर मैनी लेटेंट डिफेक्ट्स इन द हाउस विच आई डिड नॉट डिस्कवर एट द टाइम ऑफ परचेज। तो इसमें क्या हो रहा है, जो पहला पुरुष है वो पूछ रहा है कि भाई तुम क्यों परेशान लग रहे हो, क्यों दुखी हो, और उसका जवाब दे रहा है दूसरा कि मैंने घर लिया था और उसमें बहुत लेटेंट डिफेक्ट्स मुझे दिखे जो अब मैं नोटिस कर रहा हूँ, जो मुझे पहले नहीं पता थे। इसका क्या मतलब हुआ? दैट ये डिफेक्ट्स थे या जो परेशानियाँ थी या जो प्रॉब्लम्स थी घर के साथ, वो पहले नहीं सामने आई थी, वो पहले लेटेंट रह गई, छिपी रह गई, और अब वो डिस्कवर कर रहा है और अब वो क्वालिटी घर खरीद चुका है तो ऑब्वियसली परेशान है। तो ये होता है लेटेंट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल लर्निंग विद फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें, और कौन से टॉपिक हम आपको हिंदी में पेश करें ये भी हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स में। सी यू नेक्स्ट टाइम।